इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाला हूं कि क्या एक्चुअल में लिथियम आयन बैटरी की जो लाइफ साइकिल क्लेम की जाती है उतनी लाइफ साइकिल तक ये बैटरियां चलती हैं या नहीं चलती, एक्चुअल में लिथियम आयन बैटरी की लाइफ कितनी होती है, और नंबर तीन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिन लोगों ने अपने घर पर लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल करा के रखी है अब वो अपनी उस लिथियम आयन बैटरी की लाइफ को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो आज आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख कर जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे एक लिथियम आयन बैटरी के बारे में, क्योंकि क्लेम इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं और वो क्लेम कहीं ना कहीं तब तक सही होते हैं जब तक इसे लैब में टेस्ट किया जाता है। जब ये रियल लाइफ में टेस्ट की जाती है कंडीशन में ये क्लेम काफी हद तक आपको कम दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सबसे पहले कवर करने वाले हैं लिथियम आयन बैटरी की एक्चुअल लाइफ के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि एक लिथियम आयन बैटरी 12 से 15 साल तक चलती है। अगर हम लोग इसके रियल फैक्ट को देखें जो ट्रायल बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक लिथियम आयन बैटरी की जो प्योर लाइफ साइकिल होती है वो होती है 5000, मतलब किसी भी लेड एसिड बैटरी से कम 3 गुना ज्यादा। तो वहीं से इसकी कैलकुलेशन लगा दी जाती है कि हमारी एक लेड एसिड बैटरी जो होती है वो 5 साल चलती है, तो जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होगी वो हमारी 15 साल चलेगी। पर एक्चुअल में सच्चाई यहाँ से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाती है। जब हम लोग अपनी बैटरी को अपने घर पर यूज करते हैं उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लगती है और जो क्लेम होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। इसके पीछे के कुछ साइंटिफिक कारण भी होते हैं जिस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। आप मेरे बगल में ये ग्राफ देख रहे हैं, ये एक लिथियम आयन बैटरी का ग्राफ है जिसमें इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। मोस्टली किसी भी चीज की लाइफ साइकिल 5 स्टेज या 3 स्टेज में होती है, पर एक लिथियम आयन बैटरी की जो लाइफ साइकिल होती है उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है सबसे गुड फेज, इस फेज में बैटरी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। पर अगर इसकी लाइफ की बात करें तो ये फेज आपको 1.5 से सिर्फ 2 साल तक देखने को मिलता है। जब आप एक नई बैटरी परचेज करते हैं उस कंडीशन में तो आपकी बैटरी 100% होती है, पर 1.5 से 2 साल के अंदर आपकी वही बैटरी सिर्फ 80% पावर की बचती है। आप इसका कंपैरिजन भी मोबाइल की बैटरी से कर सकते हैं। जब आप नया मोबाइल खरीदेंगे तो देखेंगे उसकी बैटरी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, पर 1 से 1.5 साल के आते आते वो बैटरी की परफॉर्मेंस गिर जाती है। सेम यही चीज आपकी एक लिथियम आयन की सोलर बैटरी हो या आप उसे इन्वर्टर पर इंस्टॉल किए हो, वही साइंस यहाँ पर भी अप्लाई होती है। और ये डिग्रेडेशन काफी तेजी के साथ होती है, पर बैटरी हमारी ज्यादा पावरफुल होने के कारण हमें उतना समझ में नहीं आता। इसके बाद इसकी सेकेंड फेज होता है जो फेज काफी धीरे धीरे चलता है और काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। एक्चुअल में ये फेज हमारा 4 से 5 साल का होता है। जब 1.5 से 2 साल के बाद बैटरी हमारी 80% पर आ जाती है तो वहीं 4 से 5 साल के बीच ये 80 से 70%, मतलब सिर्फ आपको 10% का इसमें डिग्रेशन देखने को मिलता है। इन्वर्टर और सोलर की बैटरी का साइज बड़ा होने के कारण हम इतना इसको नोटिस नहीं कर पाते, बस हमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस में इसके वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो 4 साल का इसका मिड का फेज हो गया और 1 से 1.5 साल का इसका स्टार्टिंग फेज हो गया, तो ये मानिएगा कि 5.5 साल तक आपकी बैटरी एकदम अच्छा परफॉर्म करती है जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। फिर आता है इसका तीसरा फेज जिस फेज में बैटरी 70% से नीचे जाती है, और सेम आप मोबाइल से फिर इसका कंपैरिजन करके देखें, जब आप अपने फोन की बैटरी को ज्यादा यूज करते हैं या कम भी यूज करते हैं, सिर्फ कॉलिंग करते हैं, तब भी देखें कि पहले आपकी बैटरी 100% पूरे दिन चलती थी जब कॉलिंग करते थे, तब वो 80% पर आती है जब थोड़ी पुरानी हो गई। तो आप बैटरी को यूज करें या ना करें तब भी आपकी बैटरी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। सेम वही चीज लगती है इसके भी थर्ड फेज में, क्योंकि बैटरी दोनों लिथियम की होती है, बस साइज का यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। और जैसे ही बैटरी अपने तीसरे फेज में जाती है, मतलब 70% के नीचे जाती है, उसके बाद बैटरी में आपको भारी गिरावट देखने को इसकी परफॉर्मेंस में मिलती है। आप बोलेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल इतनी ज्यादा कम क्यों हो जाती है। दोस्तों अगर हम लोग लैब की बात करें, लैब के अंदर एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है, और बैटरी को वहां पर उसके अनुकूल वातावरण के हिसाब से और उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के हिसाब से ही टेस्टिंग किया जाता है। इस कंडीशन में बैटरी की लाइफ साइकिल आपको पूरी 5000 तो मिलती है, पर जो उसका ड्यूरेशन होता है वो आपको 10 से 12 साल देखने को मिलता है। पर अगर रियल लाइफ में यही चीज देखते हैं तो लिथियम आयन बैटरी के जो एडवांटेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी बन जाते हैं। लिथियम आयन बैटरी हमारी मात्र 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और आप एक चीज सोचिएगा रियल लाइफ में, मान लीजिए आपने अपने घर पर एक लिथियम आयन बैटरी को इंस्टॉल किया है,
जब आपने सुबह उसको चार्जिंग पे लगाया उसके बाद 12 बजे तक आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई। ऐसी कंडीशन में आपने उस बैटरी का यूज किया और 4 बजे तक यूज करने के बाद आपकी बैटरी फिर से सोलर से चार्ज होने लगी या इन्वर्टर से चार्ज होने लगी और उसके बाद 4 से करीब 8 बजे तक आपकी बैटरी फिर से फुल चार्ज हो गई। उसके बाद आपने फिर से उसको रात में यूज करना शुरू कर दिया। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो बैटरी ने अपनी एक दिन के अंदर कम से कम 2 साइकिल को कंप्लीट कर दिया और यही इसका एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि जो हमारी C10 बैटरीज होती हैं वो बैटरी की जो चार्जिंग टाइम होता है वो कम से कम 8 से 10 घंटे का होता है। मतलब इन्हें इतना टाइम तो बैटरी को फुल चार्ज होने में चाहिए, पर लिथियम बैटरी हमारे 4 से 5 घंटे में जब फुल चार्ज हो जाती है तो ये पूरे दिन में आपको करीब 2 से 3 साइकिल बार आप इसको रिपीट कर देते हैं। क्योंकि ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपके अगर एक बार बैटरी फुल चार्ज हो गई तो आप उसको सिर्फ रात में यूज करेंगे और सिर्फ उसकी एक साइकिल को रन कराएंगे। तो मतलब आपने एक दिन में 2 बार बैटरी की लाइफ साइकिल को रिपीट किया। पर जब आप देखेंगे, इसको कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, वहां देखें कि बैटरी की लाइफ जो है 12 से 15 साल उस कंडीशन में होती है जब बैटरी की एक साइकिल को सिर्फ एक दिन में रिपीट किया जाए। क्योंकि बैटरी ईयर के हिसाब से नहीं डिजाइन होती, बैटरी डिजाइन होती है उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से। तो जहां पर 12 साल बैटरी चलनी थी एक लाइफ साइकिल पर डे यूज करने पर और आपने दिन में 2 बार लाइफ साइकिल यूज की तो ये देखिएगा कि वो जो साल थे वो जस्ट आधे रह जाएंगे। मतलब 12 से सिर्फ आपकी बैटरी 6 लाइफ साइकिल की आ जाएगी। और अगर आप ये सोचें कि आप एक दिन में सिर्फ एक बार बैटरी को यूज करेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उसको अपने घर पर सोलर सिस्टम पर डेली यूजेस की नीड को फुलफिल करने के लिए रखा है। मान लीजिए आप अपने घर पर एक एसी को रन कराते हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप एक बार बैटरी को भर लेंगे उसके बाद अगले दिन कहेंगे कि मैं अगले दिन एसी चलाऊंगा, आज अपनी बैटरी डिक्रीज करके उसे दोबारा से भरने के लिए नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाएगी। तो जो लैब टेस्टिंग होती है और जो रियल लाइफ टेस्टिंग होती है यहीं से बैटरी के आधे साल तो खत्म हो जाते हैं। मतलब आपकी बैटरी की अब लाइफ साइकिल अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 2500 बचेगी, क्योंकि आपने एक दिन में 2 साइकिल यूज कर ली है। तो इस वजह से जो 12 साल का क्लेम है वो यहीं पर कम हो जाता है। और आप मेरी इस बात से 100% एग्री होंगे, क्योंकि आप इतना मेंटेन उसे नहीं कर सकते हैं कि जितना आपको उस बैटरी की एक छोटा सा नोट लग के दिया गया होता है कि अगर आप इस बैटरी की एक साइकिल को एक दिन में चलाते हैं उस कंडीशन में आपकी ये बैटरी 12 साल चलने वाली है। तो यहां पर जो इतनी लंबी लाइफ की बात की जा रही है तो बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि बैटरी कभी भी साल से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। बैटरी हमेशा कैलकुलेट की जाती है उसकी लाइफ साइकिल से, और लाइफ साइकिल अगर आपने घर पर अपने इंडस्ट्री में अपने ऑफिस में इंस्टॉल की है तो उस कंडीशन में आप उसकी लाइफ साइकिल को मेंटेन नहीं कर सकते। तो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर जो 10 से 12 साल का दावा किया जाता है ये पूरी तरह से फेक होता है। तो इस बात पर आप कभी ट्रस्ट मत करिएगा कि अगर आपसे कोई कहे कि उसकी बैटरी 12 से 15 साल चलती है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, अगर वो ये बोलता है कि उसकी बैटरी की लाइफ साइकिल 5000 है, 4000 है, 4500 है तो ये चीज कहीं ना कहीं करेक्ट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी बैटरी डिग्रेड कब होती है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा उत्तर है, बैटरी आप चार्ज कर रहे हो, बैटरी आप डिस्चार्ज कर रहे हो या आपकी बैटरी रेस्ट में हो, इन तीनों कंडीशन में आपकी बैटरी डिग्रेड ही होगी। आप उसको संभाल कर नहीं रख सकते कि आपकी बैटरी का डिग्रेशन हो, क्योंकि वो अपने एक सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ बैटरी काम करती है और वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग और सबके टाइम में बैटरी धीरे धीरे डिग्रेड होती ही रहती है। पर जो मैंने आपको पहले लाइफ साइकिल दिखाई थी उस लाइफ साइकिल के हिसाब से ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है और उन्हीं 3 पार्ट के हिसाब से ये अपना प्रोडक्शन देती है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मैंने लिथियम आयन बैटरी परचेज तो कर ली है तो मैं कैसे अपनी इस लिथियम आयन बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकता हूँ। तो किसी भी बैटरी की लाइफ को नहीं बढ़ाया जा सकता, बस ऐसे कुछ प्रयास किए जा सकते हैं जिससे आपकी बैटरी की जो डिग्रेशन है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। इसके लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि आपको अपनी बैटरी को हीट से बचाना है, और हीट से बचाने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपकी बैटरी परमानेंट चार्जिंग पे लगी है, 100% होने के बाद भी आप अपनी बैटरी को कंटिन्यूअसली चार्ज कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैटरी को कभी 80 से 85% से ज्यादा खर्च ना करें, मतलब पूरी बैटरी को कभी भी डिस्चार्ज नहीं करना है। ऐसे अगर आप इस बैटरी को पूरा लगातार डिस्चार्ज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी बैटरी की लाइफ साइकिल को और कम कर लेंगे। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सोलर में एलिजिबल हो ही नहीं सकता पर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बैटरी को कभी भी चार्ज करते टाइम यूज नहीं करना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग ये सलाह देते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज करें उस टाइम अपने मोबाइल को यूज ना करें, क्योंकि ऐसे में बैटरी आपकी गर्म हो सकती है, फट सकती है या बैटरी की जो आउटपुट क्षमता है वो बैटरी की क्षमता कम हो सकती है। तो तीसरा पॉइंट है तो इम्पोर्टेंट, पर सोलर में अगर आपकी एक लिथियम आयन बैटरी लगी है
उस कंडीशन में ये मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो एक लिथियम आयन बैटरी लेने से पहले यूज करने के ड्यूरेशन में आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो और सच्चाई लगी हो इस जानकारी में, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, या उसके बाद भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके हर एक सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।